17 मार्च 1527 का वो दिन जिसके बाद भारतीय इतिहास पूरी तरह बदल गया। भारत के हिंदू राजाओं का हिंदू राष्ट्र का सपना टूटा। यह युद्ध जो धर्म के नाम पर लड़ा गया, इस युद्ध के बाद भारत में मुगल साम्राज्य पूरी तरह स्थापित हो गया और इसी युद्ध में पहली बार आग उगलती तोपों का इस्तेमाल किया गया, जो भारतीय सैनिकों के लिए एकदम से नया था। इस युद्ध में राणा सांगा के पास विशाल सेना तो थी, पर उनमें अच्छा तालमेल नहीं था, जो इनकी कमजोरियां बनी। लोग बाबर को अपने फायदे के लिए बुलाए थे, पर वह उन्हीं के लिए खतरा साबित हो गया और बाद में एक भयंकर युद्ध हुआ और इस युद्ध को हम खानवा के युद्ध के नाम से जानते हैं। तो आइए विस्तार से समझते हैं इस पूरी लड़ाई को। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव हिस्टोरिकल वीडियो को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। कहानी शुरू होती है इब्राहिम लोदी से। वह अपने क्षेत्र का विस्तार कर रहा था और वहीं उसके दक्षिण में मेवाड़ के शासक राणा सांगा भी अपने क्षेत्र का तेजी से विस्तार कर रहे थे, तो निश्चित था कि दोनों में लड़ाइयाँ होनी थी। में इनका पहला युद्ध खतौली का युद्ध रहा, जिसमें 5 घंटे चली लड़ाई के बाद राणा सांगा इस युद्ध को आसानी से जीत लेते हैं। अब दिल्ली का शासक होने के नाते इब्राहिम इस युद्ध की हार से बौखला जाता है, से उसके अंदर बदले की ज्वाला जलने लगती है। इसके बाद वह अपने सेना को एकत्रित करता है और एक बार फिर युद्ध का बिगुल फूंक देता है, जिसे हम धौलपुर की लड़ाई के नाम से जानते हैं। अब इस युद्ध में इब्राहिम की विशाल सेना राणा सांगा पर हमला करती है, पर राणा सांगा की अच्छी नीतियों के बदौलत राणा सांगा इस युद्ध को जीत लेते हैं, जिसके बाद राणा सांगा का उत्तर भारत में अच्छा प्रभुत्व स्थापित होने लगता है। इधर बार बार इब्राहिम की हार से और अपने ही लोगों की बातें ना सुनने के कारण इब्राहिम के अपने ही उससे दूरी बनाने लगते हैं, जिससे इब्राहिम के अपनों में ही फूट पड़ने लगी और उसकी ही कुछ रिश्तेदारों ने बाबर को भारत आने का न्योता दे दिया और बाबर भी इसी मौके का इंतजार कर रहा था। जाता है कि इस न्योते में राणा सांगा का भी हाथ था। सांगा भी कहे थे कि वह इब्राहिम से युद्ध के दौरान हमारी सेना बाबर का साथ देगी। दरअसल सांगा को लग रहा था कि बाबर अन्य अफगानों की तरह भारत पर हमला करेगा और लूटपाट करके चला जाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ। बाबर तो भारत पर राज करने के मकसद से आ रहा था। बाबर हिंदुस्तान फतेह करने के लिए काबुल से एक विशाल सेना को संगठित करके भारत की तरफ कूच करता है। अब बाबर कई दिनों के लंबे सफर के बाद बाबर झेलम नदी के किनारे पहुंचने में सफल हो गया। बाबर झेलम नदी को पार करने के बाद छोटी छोटी रियासतों को हराकर अपनी सेना को बढ़ा और अपनी सेना का मनोबल बढ़ाने लगा। बाबर अपने सपनों को पूरा करने के लिए हर स्थिति से लड़ने को तैयार था। पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर और इब्राहिम लोदी की सेना आमने सामने थी। इब्राहिम लोदी की सेना में पड़ी फूट के कारण बाबर यह युद्ध आसानी से जीत लेता है। पानीपत के युद्ध की चर्चा हम किसी और वीडियो में पूरा विस्तार से करेंगे। पानीपत के युद्ध के बाद दिल्ली सल्तनत का अंत होता है और मुगल राज की स्थापना होती है, पर यह पूर्ण रूप से स्थापित नहीं हो पाता क्योंकि राणा सांगा इसके विरुद्ध खड़े हो चुके थे। क्योंकि बाबर की मंशा अब साफ दिख रही थी, वह लूटपाट नहीं राज करने आया था, ये बात सबको समझ आ चुकी थी। वहीं मुगल मेवाड़ की तरफ ना बढ़कर अन्य रियासतों पर हमले कर रहे थे, जिससे उनका अच्छा प्रभुत्व कायम हो सके। इनमें मुख्य रियासतें थी आगरा, कालपी, बयाना और धौलपुर, जबकि ये रियासतें राणा सांगा के अधीन आती थी। अब दिन ब दिन मुगलों का क्रूरता बढ़ती जा रही थी, जिसके बाद राणा सांगा ने भी निर्णय किया कि वह मुगलों को अब भारत से खदेड़ कर रहेंगे। सांगा राजस्थान के सभी रियासतों को एकत्रित करके एक विशाल सेना का निर्माण करते हैं, जो हिंदू राष्ट्र के सपनों को पूरा करने के लिए खड़े हुए थे। और वहीं कुछ मुस्लिम शासक भी राणा सांगा का साथ दे रहे थे, जिसमें इब्राहिम लोदी के छोटे भाई महमूद लोदी थे, जो अपने भाई के हार का बदला लेना चाहते थे, जो 10,000 सैनिकों के साथ खड़े थे। और वहीं दूसरे थे हसन खां मेवाती और वसीम चंदेरी,
कहा जाता है इन्हीं शासकों ने राणा सांगा को बाबर के ऊपर हमले करने के लिए ज्यादा उकसाया था, क्योंकि बाबर ने इनके ऊपर हमले करके उनके राज्यों पर कब्जा कर लिया था। जल्द ही सांगा अपनी विशाल सेना लेकर आगरा और बयाना को आज़ाद कराने के लिए निकल पड़ते हैं। जोरदार हमलों से मुगल बयाना से भाग खड़े हुए, जिससे बयाना पर राणा सांगा का अधिकार हो गया। अब सांगा आगे बढ़े और सीकरी पर हमले करके सीकरी को भी अपने अधिकार क्षेत्र में कर लिए। और यहीं सीकरी में सांगा अपने सैनिकों संग पड़ाव डालते हैं। और उधर मुगलों को लगातार मिल रही हार से मुगल सैनिक घबरा गए। वे बाबर से बोले, हमें काबुल वापस लौट जाना चाहिए। पर बाबर कहाँ मानने वाला था, उसके सिर पर पूरे भारत पर शासन करने का भूत सवार था। बाबर अपने सैनिकों का वेतन दोगुना कर दिया, सैनिकों के सारे कर माफ कर दिए। उसने कभी भी शराब ना पीने की कसम खाई, फिर भी सैनिकों के मन में घबराहट थी, इसलिए उसने जिहाद का नारा लगाया और इस युद्ध को धर्म युद्ध में परिवर्तित कर दिया, जिसके बाद मुगल सेना एक बार फिर एकत्रित हो गई और वह युद्ध के लिए तैयार हो गई। आखिर वो दिन आ ही जाता है जिसके बाद भारतीय इतिहास पूरी तरह बदल गया। 17 मार्च 1527 खानवा की लड़ाई। अब बाबर और राणा सांगा की विशाल सेना फतेहपुर सीकरी के निकट खानवा नामक स्थान पर मिलती है। अब बाबर की सेना वहां पहुंचते ही युद्ध का बिगुल फूंक दिया जाता है। सांगा हाथी पर सवार होकर सैनिकों को आगे से नेतृत्व कर रहे थे, जबकि वहीं बाबर पीछे से अपने सैनिकों का नेतृत्व कर रहा था। दोनों पक्षों के घुड़सवार आपस में भिड़ गए। सांगा की सेना बाबर की सेना पर भारी पड़ रही थी और बाबर की सेना को चारों तरफ से घेराबंदी भी कर रही थी। और सांगा के घुड़सवार बाबर तक पहुँचने ही वाले थे कि बाबर द्वारा लाई गई तोपें, जो सैनिकों के पीछे छुपाए गए थे, उनको आगे करके तोपों के मुंह खोल दिए गए। अब ये आग उगलती तोपें, जो भारतीय सैनिकों के लिए एकदम नया था, अब तोपों के एक एक झटके से सांगा के हजारों सैनिक ढेर होने लगे, जिससे सांगा गुस्से में सीधे हमला कर दिए, जिसके बाद बाबर ने तुगलामा पद्धति अपनाकर सांगा को घेर लिया और पीछे से हमले कर दिए। सांगा को लगातार निशाना बनाया जाने लगा, उनके ऊपर तीरों की बरसात कराना शुरू कर दिए, जिससे एक तीर सांगा को आ लगा और वह हाथी से नीचे गिर गए। लेकिन सैनिकों को एकत्रित करने और उनका मनोबल बढ़ाए रखने के लिए सांगा का एक सैनिक उनका मुकुट पहनकर लड़ने लगा। सांगा को एक सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया, लेकिन कुछ देर बाद वो सैनिक मारा गया, जिसके बाद ये युद्ध बाबर द्वारा जीत लिया गया और पूरे भारत पर मुगल राज की स्थापना होती है। आगे राणा सांगा के साथ क्या हुआ, इसका हमने एक वीडियो में पूरा चर्चा किया है। आगे इसकी जानकारी के लिए आप इस वीडियो को जरूर देखें। दोस्तों, हमारा इतिहास वीर योद्धाओं से भरा पड़ा है, लेकिन उनको इतिहास के कुछ ही पन्नों में समेट कर रख दिया गया है। तो प्लीज़ ऐसी कहानियों को अपने तक ही सीमित ना रखें, इसे आगे तक फैलाएं। ऐसे ही वीडियो को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।